महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया और भाजपा सरकार की आलोचना की। सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने कहा, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाना ही उनका उद्देश्य है। काशीपुर में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। सम्मेलन में पीसीसी सदस्य एवं उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि पूरे देश में आज नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और शोषण के खिलाफ महिला कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ कमर कर चुकी है। मणिपुर की घटना हो, उत्तराखंड की बहन अंकिता भंडारी केस हो, या फिर जंतर मंतर पर बैठने वाली महिला पहलवान के शोषण की बात हो, भाजपा सरकार की हर मामले पर खामोशी साफ नजर आती है। आज काशीपुर में हमने नारी न्याय सम्मेलन यहां पर आहूत किया है, जिसके अंतर्गत हमारे महिला कांग्रेस कमेटी की सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने आकर इसमें भागीदारी की है और हम लोगों का हौसला अफजाई किया है। वास्तव में जो कांग्रेस ने लड़ाई महिलाओं के सम्मान और न्याय की लड़ी है और जिस पे चलकर आगे जो विचारधारा कांग्रेस की है महिला सम्मान की और महिला न्याय की, उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम यहाँ कर रहे हैं और महिलाओं से मिलकर उनके दुख दर्द को जाना है और कांग्रेस की योजनाएं महिलाओं के लिए क्या हैं इस बात को भी बताने का यहाँ प्रयास किया है। साथ ही हमारे कुछ सवाल भी हैं। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी से मणिपुर में जिन बहनों को नग्न करके घुमाने की दुर्घटना वहाँ हुई है और पूरे देश को संसार करने वाली घटना हुई है, इसमें जब सवाल पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के कोने कोने में और विदेश की यात्राओं में ही अक्सर व्यस्त रहते हैं, उनसे जब इस बात पे सवाल पूछा जाता है तो इस बात पे वो एक अक्षर तक नहीं बोलते हैं। सारा का सारा उनका समय केवल या तो चुनावी दौरों में रहता है या अपनी सत्ता को संभालने में, और सत्ता के नशे में वो इतने चूर हैं कि सड़कों पर आंदोलन करने वाली, चाहे वो जंतर मंतर की बहनें हों, न्याय की बात करने वाली इस देश की बेटियां हों, सबको अपमानित करने का काम भाजपा की सरकार में किया जा रहा है। लेकिन महिला कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी से आज मैदान में है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जी जान से हमेशा डटे रहेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।